हेलो, तो कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं पाठक चर्चित आनंद आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने पाठक एजुकेशन सेंटर में, लर्न विद फन। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। मैं मानता हूं कि आप जानते होंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, बट आपको मैं इस ट्यूटोरियल्स में पूरे 30 से 30-45 मिनट्स का ये ट्यूटोरियल होने वाला है, और इसमें मैं फुल डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के सारे बटन्स, एस्केप, बैक बटन, इंटर, पाउस ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन, सारे बटन्स के बारे में बताने वाला हूँ, फुल डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और एक भी स्टेप आप अनफॉलो मत कीजिएगा, टोटल स्टेप फॉलो कीजिएगा और आप कीबोर्ड का एक्सपर्ट बनेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा वीडियो देखिए आप सबसे पहले और रहें सबसे आगे। तो चलिए मैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, और आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो चलिए मैं अपना पावर पॉइंट PPT 365 ओपन कर लिया, और मैं अब प्रेजेंटेशन स्लाइड शो ओपन करता हूँ, ठीक है? तो आपको मैं एक पहले ही शॉर्टकट बता देता हूँ इस प्रेजेंटेशन को ऑन करने से पहले। देखिए कि प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली ऑन कैसे करते हैं। आपके कीबोर्ड में केवल F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने से आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो मैं भी अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लिया, और हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। तो दोस्ती खुशी खुशी की बात है कि आज हमारे टोटल 100 सब्सक्राइब मोर देन 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये थैंक यू आप मेरे सारे यूट्यूबर व्यूवर्स के लिए, और मेरे फ्रेंड्स जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करें, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके? तो आज के डेट में मेरा टोटल सब्सक्राइबर है 111। दिस इज द लकी नंबर, ओके? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ठीक है? वही मैं वेलकम के लिए इसको लगा दिया हूँ स्लाइड पे। चलिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ये कि ये तो इंट्रोडक्शन स्लाइड है कि व्हाट इज कीबोर्ड एंड हाउ टू यूज इट। कीबोर्ड क्या है और इसे हम कैसे यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे बेसिक शॉर्टकट्स यू शुड नो इट, ठीक है? मैंने इसमें बहुत सारे शॉर्टकट की का लिस्ट बनाया हूँ, और आपको मैं बताऊँगा कि एक शॉर्टकट की के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा, कि जो भी है, जो कि जनरल लोगों हैं, जो जनरल पीपल्स हैं, उनको भी यूज़ में, जो भी सिस्टम पे काम करते हैं उनको हरदम यूज़ में आने वाली है। तो ये ट्यूटोरियल्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, मैं गारंटी 100% देता हूँ कि ये ट्यूटोरियल्स आपको बहुत हेल्पफुल करेगी इन फ्यूचर्स, ठीक है? रन योर कंप्यूटर ऑन योर फिंगर्स, ठीक है? ये मेरा इस ट्यूटोरियल्स के लिए स्लोगन है कि रन योर कंप्यूटर ऑन योर फिंगर्स। देखिए जितना भी हम अगर काम करते हैं अपना, उस काम को अगर माउस से करें तो कई गुना उससे फास्ट हम कीबोर्ड के से शॉर्टकट को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर हम फुल डिटेल्स में उसको जान लें तो हमारे लिए आसानी होगी। चलिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, हमारे पास आता है हम किस इस चीज कॉन्टेंट्स में, इससे PPT में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा मैं आपको समरी दे देता हूँ, ठीक है? तो लीजिए आपके पास ये है, ये वेलकम इन पाठक एजुकेशन सेंटर, दैट इज मीन्स इन PPT। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कंटेंट्स, ठीक है? व्हाट इज कीबोर्ड, हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड, अ कीबोर्ड टाइमलाइन, IBM मॉडल कीबोर्ड्स, कंपेरिजन ऑफ टू कीबोर्ड्स। इसमें मैंने बताया है कि कैसे लैपटॉप कीबोर्ड और जो जनरल कीबोर्ड है कैसे डिफरेंस है। फिर है मैक फंक्शन की, नंबर की, न्यूमेरिक कीपैड, अल्फाबेट कीज और टाइपिंग कीज, एरो, नेविगेशन की, कंट्रोल की, स्पेशल पर्पस की, ठीक है? हमारे पास अब नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज कीबोर्ड। देखिए ये सिंपल डेफिनेशन है, अ पैनल ऑफ अ कीज दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर ऑन अ और टाइपराइटर। ऐसा पैनल जो कि की जिसमें की का बंच हो, गुच्छा हो, ठीक है? उसको एक प्रॉपर वे में रखा गया हो, एक्सेसेबल, एक्सेसेबल मीन्स आपको आसानी से उनको एक्सेस किया जा सके, ठीक है? और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एक दूसरा डेफिनेशन भी है कि अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ टाइप राइटर स्टाइल डिवाइस विच यूजेस एन अरेंजमेंट ऑफ अ बटन्स और अ कीज टू एक्ट एज अ मैकेनिकल लेवर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक है?
ऐसे अरेंजमेंट कीबोर्ड का, बटन्स का, जो कि मैकेनिकल लेवर्स हमारा कम करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी है हमारे पास एक और डेफिनेशन कि कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है कि एक बेस्ट इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम अपने सारे डाटास को कंप्यूटर के अंदर सेंड कर सकते हैं। द ले आउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। कीबोर्ड का लेआउट कैसे है, ट्रेडिशनल टाइपराइटर्स। Although there are some additional keys provided for performing additional functions, कीबोर्ड में स्पेशल की भी होते हैं जो कि स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो चलिए मैं अब कीबोर्ड क्या है, कैसे यूज़ करना है, इसे को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि टाइपराइटर क्या है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जिक्र किया गया है जस्ट ही टाइपराइटर का। देखिए व्हाट इज टाइपराइटर, टाइपराइटर क्या है कि अ मशीन विथ कीज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स एंड टाइपोग्राफिकल सिंबल्स ऑन एट अ टाइम ऑन अ पेपर इंसर्टेड अराउंड अ रोलर, ठीक है। कि ऐसा मशीन जो कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ओनली न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स को प्रिंटेड करने के लिए बनाए गए थे, उनको हम लोग टाइपराइटर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा देता हूँ टाइपराइटर्स का, कैसे पिक्चर्स हैं। देखिए ये टाइपराइटर्स हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टाइपराइटर है इसका रोलर है, यहाँ पे हम लोग पेज लगाते हैं और ये इनके बटन्स हैं। जैसे ही बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे इनके लगे रहते हैं, सारे अल्फाबेट के हैं वो यहाँ पे माउंट रहते हैं। और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे रिबन रहता है, और जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो ये रिबन क्या करते हैं उस पे उस पेज पे जा कर के फोर्स करते हैं तो वो नंबर उस पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा भी मॉडल है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों टाइपराइटर ही हैं बट इनका मॉडल अलग अलग है। चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट की स्लाइड्स में है, हमको बात कराएंगे कि IBM कीबोर्ड, ठीक है। IBM का जो मॉडल आया, IBM ने अपना फर्स्ट कीबोर्ड बनाया जो कि हम लोग आज तक की QRT कीबोर्ड के नाम से जानते हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गया, इसमें है IBM F मॉडल कीबोर्ड और IBM M मॉडल कीबोर्ड। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ कि IBM F मॉडल्स और IBM M मॉडल्स कीबोर्ड कैसे होते हैं। देखिए IBM F मॉडल में क्या है कि जो फंक्शन की के ऊपर एक और बटन्स का आप सीरीज देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाली, तो ये IBM M मॉडल में नहीं है। और यहाँ पर जो भी आप मॉडिफायर की, कंट्रोल की देख रहे हैं सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में। तो इस मॉडल को नाम दे दिया गया IBM F मॉडल कीबोर्ड्स। और नेक्स्ट हमारे पास है IBM M मॉडल कीबोर्ड्स। तो IBM M मॉडल कीबोर्ड्स में क्या किया गया कि इन अरेंजमेंट्स को इन हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। तो दोनों को आप आसानी से F मॉडल, ठीक है, और M मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं और उनके बीच डिफरेंस देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा M मॉडल है, कौन सा F मॉडल है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं, ठीक है, और बात बताते हैं आगे कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड। तो अब कीबोर्ड जानते हैं तो जान भी लेते हैं कि कीबोर्ड ने, कीबोर्ड को किसने बनाया, ठीक है। तो हम कीबोर्ड को जो कि टाइपराइटर्स बनाया, दैट मीन्स वो कीबोर्ड बनाया, ठीक है। तो टाइपराइटर से ही कीबोर्ड बना है, ठीक है। तो जान लेते हैं कि द फादर ऑफ द टाइपराइटर, इन्वेंटर ऑफ द QWERTY कीबोर्ड, जो हम लोग कीबोर्ड आज जनरल लोग, जनरल पीपल यूज़ करते हैं, उस कीबोर्ड का नाम QWERTY कीबोर्ड है। आपका हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि विच नेम द कीबोर्ड विच इज़ यूज्ड बाय अस, हम लोगों के द्वारा जो कीबोर्ड यूज़ किया जाता है उसका नाम बताएं, तो उसका नाम है QWERTY कीबोर्ड। ये आप जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये है फोटो किनका, इन्वेंटर का, उनका नाम है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है टाइमलाइन कीबोर्ड, टाइमलाइन। तो टाइमलाइन जानते हैं कि कैसे कैसे कीबोर्ड मॉडिफाई होकर के आज हमारे पास पहुंचा है, ठीक है। तो देखिए हमारे रोड मैप बनाया, थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है, फिर यहाँ पे है कि
इन 1868 इन्वेंशन ऑफ द टाइपराइटर, फिर 1936 में कुछ मॉडिफाई किया गया कीबोर्ड्स के को, ठीक है, नंबर लेटर्स को डिज़ाइन करके उसमें ऐड किया गया। फिर 1956 में कुछ मॉडिफाइंस टेक्नोलॉजी आई, बिगन्स एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्ट कीबोर्ड इनपुटिंग ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है, डायरेक्ट कीबोर्ड, जैसे मतलब पहले था कि आपको पंच कार्ड का यूज़ करके कीबोर्ड था, लेकिन उसको पंच कार्ड में बनाया जाता था, पंच कार्ड बना करके उसको फिर कंप्यूटर में एंट्री कराया जाता था। लेकिन 1956 में क्या हुआ कि इसको टेक्नोलॉजी आने के कारण, टेक्नोलॉजी जब आ गया हमारे पास, तो हमने उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट इनपुट बना दिया कि जैसे ही हम बटन प्रेस करें और वो हमारा डाटा इंटर हो जाए कंप्यूटर में, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इन 1964 IBM डेवलप द सिस्टम 360, अ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम विच इंट्रोड्यूस स्पेशलाइज कमांड कीज लाइक एस्केप ऑल्ट कंट्रोल पॉज ब्रेक एंड सिस्टम रिक्वेस्ट। तो देखिए, 1964 में IBM ने क्या किया, डेवलप कर दिया कोई ऐसा मेनफ्रेम कंप्यूटर जिसमें कि इससे पहले हमारे पास एस्केप ऑल्ट कंट्रोल पॉज ब्रेक एंड सिस्टम रिक्वेस्ट बटन नहीं थे, ठीक है। तो इनके आने के बाद हमारे पास थोड़ा सा और भी आसानी हो गई। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 1971 में, द IBM 3720 डिस्प्ले टर्मिनल्स विच हैव द फर्स्ट वाइडली यूज स्क्रीन ओरिएंटेड मेनफ्रेम कीबोर्ड इंट्रोड्यूस द कीज इंटर इंस डेल होम पेज अप इंड देन कॉल्ड EOF फॉर इंड ऑफ फील्ड एंड द एरो कीज। फिर देखिए, पहले क्या आया, अल्ट कंट्रोल स्कैप पॉज ब्रेक एंड सिस्टम रिक्वेस्ट बटन बने, फिर उसके बाद डेल इंस डेल होम इंटर पेज अप इंड ये सब बटन्स बने, किसमें, 1971 में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1981 में, IBM इंट्रोड्यूस इट्स पर्सनल कंप्यूटर विथ 83 कीबोर्ड दैट हैज 10 फंक्शन कीज, नमलॉक कीज, स्कैप अल्ट कंट्रोल सिस्टम रिक्वेस्ट एंड अदर मेनफ्रेम कीज, ठीक है। तो इन 1981 में IBM ने डिज़ाइन किया 83 की का कीबोर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि 1984 में, आफ्टर टू ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ IBM इंट्रोड्यूस्ड एन इन्हांस्ड 101 की, दो साल के बाद में IBM ने क्या किया कि 83 की कीबोर्ड से 101 कीबोर्ड बना दिए, यानी कि 101 बटन वाले कीबोर्ड बना दिए। पहले बनाए थे 83 बटन्स के कीबोर्ड, फिर बना दिए 101 के कीबोर्ड। चलिए, फिर लास्ट हमारे पास है 1994 में, इन एंटीसिपेशन ऑफ विंडोज 95 माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द नेचुरल कीबोर्ड विच वाज 3 एक्स्ट्रा कीज दैट इनेबल द यूज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट अ माउस, जो हमारा है विंडोज बटन। आपने अपने कीबोर्ड में देखा होगा कि आपके पास विंडोज बटन होता है, वही है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट माउस, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्लाइड है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमको कंपेयर करना है, कंपेयर दिस टू कीबोर्ड्स, ठीक है, कंपेयर करना है। देखिए, ये जो आपका जस्ट नीचे वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कीबोर्ड, ठीक है। जब हम अब इसे जस्ट आगे वाले स्लाइड में टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पढ़ेंगे तो आपको मैं उसमें पूरा डिटेल्स बताऊंगा। ये जो नीचे वाले देख रहे हैं पर्सन, ये स्मॉल कीबोर्ड है, जैसे जो भी लैपटॉप्स 14 इंचेस के आते हैं उनमें स्मॉल कीबोर्ड होते हैं, और जनरली जो हम फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वो ये है, ठीक है, वो ये वाली है। तो और लैपटॉप कीबोर्ड और जो हमारा फिजिकल कीबोर्ड है उनमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है। देखिए कि जो भी हमारा स्मॉल कीप है उसमें क्या होता है कि ये जो नंबर की पैड है इसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा इसको रखने में कहीं बैग्स में तो ये थोड़ा स्मॉल जगह एरिया छिकेंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इस पे इस नंबर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और दैट इज़ द डिवाइड, वही सेम थिंग्स इस पे आया है, और इसको इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कीबोर्ड्स भी बोलते हैं, इसको अकाउंटिंग कीबोर्ड, क्योंकि अकाउंट्स में केवल नंबर का ही खेल होता है, नंबर्स का ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग देखिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो वन है, अगर मुझे 19 लिखना है तो मैं पहले वन यहाँ प्रेस करूँगा, यहाँ पे वन प्रेस करूँगा और यहाँ पे जा करके 9 प्रेस करूँगा, तो मिनिमम डिस्टेंस 1 और 9 के बीच होता है 15 to 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
और यहाँ पे 1 और 9 के बीच में मात्र केवल और केवल सिर्फ आपके पास यहाँ पे 2 से 3 मीटर, 2 और से 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 1 से 9 के बीच में 3 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास आसानी से एक्सेसिबल है ऑन अ फिंगर, और ये है थोड़ा सा टाइम अधिक लेगा। तो इसके लिए ये चीज़ हमारे पास है कि हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया स्मॉल साइज कीबोर्ड में, ठीक है। और जो फंक्शंस बटन है, जैसे यहाँ पे स्कैप इस छोटे वाले पे देख सकते हैं आप, जो फंक्शन है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बटन दिया हुआ है फंक्शन बटन। इसका यूज़ क्या है भाई? तो इसका यूज ये है कि जो भी आपके फंक्शन बटन पे अगर मल्टीमीडिया कीज दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज करना, वॉल्यूम डिक्रीज करना, मीडिया नेक्स्ट पाउज स्टॉप प्ले और प्रीवियस म्यूजिक, तो एरोप्लेन मोड, तो ये सब चीज़ें अगर हैं और आपके फंक्शन बटन हैं, तो आपको पता होगा कि जिस कीबोर्ड में 2 बटन्स होते हैं, एक बटन पे दो सिंबल्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए किसी ना किसी अल्टरनेट की का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप इस बटन्स पे देख सकते हैं, 1 और 1 है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो ऊपर वाले को यूज़ करने के लिए हम लोग को शिफ्ट का यूज़ लेना पड़ता है। इस बटन के साथ 1 को प्रेस करेंगे तब देन ऊपर अपर पार्ट हमारा प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अगर फंक्शन बटन्स का यूज़ करना है और यहाँ पे इसमें माउंटेड है मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी, तो हमें इस फंक्शन की को प्रेस किए रहना है और इसको F1 को प्रेस करेंगे, तब वो सिस्टम समझेगा कि नहीं, हमने F1 प्रेस किया है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं अब वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। अब इसमें है पढ़ना है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में है डेस्कटॉप और फुल साइज, यानी कि जब मैं बता दिया आपको कि फुल साइज कीबोर्ड क्या है, लैपटॉप साइज यानी कि उसमें नंबर पैड नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, देखिए नया टर्म्स है, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स क्या है, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड में होता है कि ये रबड़ के कीबोर्ड होते हैं, इनको आप एग रोल देखा होगा, एग रोल की तरह आप रोल कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं और अपने बैग में इजली इसको 1 प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रेवल लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड कीबोर्ड क्या है? देखिए हैंड हेल्ड कीबोर्ड भी एक टाइप्स का कीबोर्ड है, जैसे आपने वीडियो गेम खेला होगा तो वो भी क्या है, एक कीबोर्ड है जो कि बेस एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गेम खेलना है आपको, ओके करना है, ये सब बटन्स होते हैं, तो वो क्या है, हैंड में लेकर के उसको यूज़ करना है, तो हैंड हेल्ड हो गया। फिर है थंब साइज्ड, थंब जो कीबोर्ड आपके थंब से ही एक्सेसिबल हो, थंब के अलावा कोई फिंगर उस पर यूज ना करते हो, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नाम है, नेम उसके बेसिस पे दिया गया, थंब साइज्ड यानी कि आपके जो वो थंब है उसी के अराउंड एक्सेसिबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं थंब साइज। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनमें आपके थंब साइज्ड कीबोर्ड होते हैं जो कि ऑप्टिकल कीबोर्ड हैं, क्योंकि आप, ठीक है। फिर है मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड, जैसे अगर आपको कीबोर्ड है, आप चाहते हैं कुछ छोटा सा स्क्रीन चाहिए मेरे को, तो अगर माउस जैसे हमारे पास लैपटॉप में होता है माउस पैड, ठीक है, मैं अपने उंगली से उसको क्या अपने माउस को रन कराता हूँ या फिर उसको रिमूव कराता हूँ कर्सर को, तो उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक कीबोर्ड ही ऐसा रहे जिसमें कि माउस पैड भी रहे, माउस पैन भी रहे और एक छोटा सा स्क्रीन भी रहे, मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ वो वहाँ पे शो करता रहे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शनल। अपने अनुसार उसको डिज़ाइन करना, उसे कीबोर्ड्स को मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड कहते हैं। चलिए फिर है नॉन स्टैंडर्ड लेआउट एंड स्पेशल यूज कीबोर्ड। देखिए ये जो हमारे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड थे, डेस्कटॉप, फुल साइज, लैपटॉप साइज, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स, हैंड हेल्ड कीबोर्ड एंड थंब साइज कीबोर्ड और मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड, ये हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स थे, ठीक है, इन ये हमारे स्टैंडर्ड टाइप्स थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई बेसिक्स परफॉर्मेंस करने के लिए, बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेशल कीबोर्ड को हम डिज़ाइन करते हैं, वो हो गया नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकुलर पर्सन यूज़ कर सकता है, उसको ऑल पर्सन यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर है तो उसका फर्स्ट नंबर है कोडेड। कोडेड कीबोर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे कीबोर्ड जो कि हम जिस बटन्स को कोड करते हैं,
कि ये बटन यही टास्क को परफॉर्म करेगा, ये बटन यही टास्क, यानी कि हम किसी एक बटन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो एक बटन यही काम करेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये हो गया कोडेड कीबोर्ड, ठीक है। फिर है सॉफ्टवेयर कीबोर्ड। जैसे देखिए अपने अपने स्क्रीन पे अगर आपके पास फिजिकल कीबोर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो 7 हो 8 हो या 10 हो, आप अपने सर्च बॉक्स में जाएं और वहां पे सर्च करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इंटर करें, आपके पास अपने स्क्रीन पे आपके पास एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, वही है सॉफ्टवेयर स्क्रीन, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, क्योंकि वो क्या कीबोर्ड है जो कि सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट किया गया है। आपको वो है इमरजेंसी केस में यूज़ करने के लिए, आपके पास कोई अर्जेंट वर्क है और आप बिना कीबोर्ड के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका कीबोर्ड कुछ वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ख़राब हो गए हैं, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर है प्रोजेक्शंस कीबोर्ड। देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हम दिन प्रतिदिन क्या और ये हाई हो रही है, तो प्रोजेक्शंस कीबोर्ड भी आ गए हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा मैं बोलूँ कि आपके पास छोटा पावर बैंक हो, ठीक है, उससे भी छोटा, दैट मीन्स आप देख सकते हैं डस्टर बोल सकते हैं, डस्टर का हाफ कर देंगे, जो भी हमारे पास डस्टर होता है ब्लैक बोर्ड को साफ करने वाला, वो उसके हाफ कर देंगे, उतना साइज का प्रोजेक्शन कीबोर्ड रहता है बस जस्ट, और उसको आप वर्टिकल रख करके ऑन करेंगे तो आपके अंदर से उसको लाइट आएगा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर देखें, दैट मीन्स वही ऑल फंक्शंस करता है स्क्रीन, वो क्या करता है कहीं भी प्लेन सरफेस पे बन जाता है कीबोर्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट करके लाइट को, और वहाँ से आप टाइप इजली कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि प्रोजेक्शन कीबोर्ड क्या है। फिर है ऑप्टिकल कीबोर्ड। जैसे आप ATM यूज़ करते हैं या कहीं भी कोई भी स्क्रीन पे जो कीबोर्ड्स होते हैं हमें यूज़ करने के लिए, कोई फंक्शंस यूज़ करने के लिए, चाहे अगर कोई आप कहीं होटल में गए, आपको ये रूम बुक करना है, तो आप जो भी एक्सेस करते हैं कीबोर्ड का यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। हमारे पास मार्केट में देखिए टाइप्स हो गए स्टैंडर्ड कीबोर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, लेकिन हमारे पास मार्केट में कैसे कैसे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दिया हूँ, ठीक है। देखिए पहला है QWERTY कीबोर्ड, ये तो आप जान चुके हैं। वायर्ड कीबोर्ड, जो वायर से कनेक्ट होगा PC से उसको वायर्ड कीबोर्ड बोलते हैं। नंबरी कीपैड, चलिए देखिए मैं आपको बताया हूँ कि एक स्मॉल साइज़ कीबोर्ड होता है जिसमें कि नंबर कीपैड नहीं होता है। मान लीजिए हमने एक स्मॉल साइज़ का कीबोर्ड खरीद लिया, फिजिकल कीबोर्ड भी स्मॉल साइज़ के मिलते हैं, हमने खरीद लिया, फिर बाद में हमको पता कुछ ज़रूरत पड़ने लगी कि मेरे पास नंबर पैड भी होना चाहिए तो अच्छी रहती, तो नंबर पैड भी मार्केट में क्या आपको अलग से मिलता है और उसको आप अपने PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, वही है नंबर कीपैड। इर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स क्या होते हैं, देखिए इर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स को पहचानने का तरीका है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, जो भी अजीबोगरीब दिखने में लगे, जो भी बद्दा दिखने में कीबोर्ड लगे, आप समझ जाओ कि ये इर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स है। इर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स होता है कि आपको आप जैसे आप प्रोग्रामर हो, आप डेली 5 to 6 hours आप अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, तो आपके जो हैंड है उसमें स्ट्रेन और पेन आ सकता है, तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार जिस कीबोर्ड को डिज़ाइन करके बनाया जाता है, जो कीबोर्ड डिज़ाइन करके बनाया जाता है उसको, उसी कीबोर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड आप तो समझ सकते हैं, वायरलेस मीन्स बिना तार वाला कीबोर्ड। USB कीबोर्ड जिसमें USB लगा रहा हो। ब्लूटूथ कीबोर्ड्स। फिर है मैजिक कीबोर्ड्स। देखिए मैजिक कीबोर्ड्स है जो कि अभी जनरल यूज़ में जितने भी हम कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं उनमें सबसे एक्सपेंसिव ये मैजिक कीबोर्ड्स है। मैजिक कीबोर्ड्स एप्पल द्वारा डिज़ाइन किया गया है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है मैजिक कीबोर्ड्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कीबोर्ड, अगर आपके पास सामने हो और फिजिकली आप इसको टच कर रहे हो तो आप बहुत ही बेटर फील करेंगे, देख करके बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। देखिए फिर है बैकलाइट कीबोर्ड में दैट मीन्स कि कीबोर्ड है उसके अंदर से लाइट निकल रहा हो, ठीक है, लाइट निकलता रहे तो छोटे छोटे तो उसमें लाइट्स लगे होते हैं। फिर है गेमिंग कीबोर्ड क्या है, गेम खेलने के लिए, जैसे देखिए आप मूव करने के लिए हमारे पास ये कीबोर्ड्स में हमारे पास कर्सर को मूव या फिर मूविंग करने के लिए कुछ भी हमारे पास ये 4 बटन दिए रहते हैं, क्या, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। लेकिन जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे पास
अधिक ऑप्शंस रहते हैं, तो हमारे पास ये जो नेविगेशन, इसको नेविगेशन की बोलते हैं, ये हमारे पास आउटसाइड में पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, W से अप, A से डाउन, A से लेफ्ट और D से राइट, ये बटन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बटन्स कलर होते हैं, कलर वन कलर के होते हैं, फिर और भी अदर कलर के होते हैं, और इनमें पूरा बैकलाइट्स दिए होते हैं, मतलब अच्छे तरह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। दैट मीन्स कॉल्ड बी गेमिंग कीबोर्ड्स, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, आपको बता चुका हूँ कि फ्लेक्सिबल दैट मीन्स रोल कीबोर्ड, जिसको कि हम लोग प्लास्टिक का, एकदम वो रबड़ प्लास्टिक का होता है वो, जिसको कि हम लोग मोड़ करके अपने थैले में रख सकते हैं। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स, देखिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स क्या होता है, आप अपना कीबोर्ड देखेंगे तो आपको अपना कीबोर्ड्स क्या होगा, कहीं डाउन है कहीं अप है, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं रफ सर्फेस जैसा बोल सकते हैं, रफ जैसा है, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना नाम सुना है, दैट मीन्स एक परत, ठीक है। आपका जो भी कीबोर्ड है एकदम एलोन और एक सिंगल प्लास्टिक पे रहेगा, सारा कीबोर्ड सारा सिंबल्स उस पर माउंटेड रहेंगे, आपको कहीं एकदम सिंपल बिल्कुल प्लेन दिखेगा, ठीक है। वही है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। मैकेनिकल कीबोर्ड, जो भी हम लोग जनरली कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वो जो प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है, उनको दबा प्रेस करने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, वो मैकेनिकल्स कीबोर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है ये स्मॉल साइज कीबोर्ड्स, जो कि आप देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड्स। अब हम देखिए कीबोर्ड्स के सारे बटन्स को आप एक एक करके मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो हमारे कीबोर्ड में फंक्शंस की टोटल 12 होते हैं, काउंट कर लीजिए और आपको क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी फंक्शंस कीज आर अवेलेबल इन कीबोर्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए 12। The 12 functions keys are present on the keyboard, which are arranged in a row at the top of the keyboard. ये कहाँ अरेंज होता है, कीबोर्ड के सबसे ऊपर टॉप में फंक्शन की होता है। Each functions key has a unique meaning. सारे functions की का यूनिक मीनिंग है and is used for some specific purpose. ये किस लिए यूज किया जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सारे फंक्शंस का अलग अलग काम है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सबका क्या क्या काम है, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि ये कहाँ होते हैं, क्या काम है इनका, ठीक है। चलिए फिर ये हमारे पास फुल स्क्रीन कीबोर्ड आया, ठीक है। ये लार्ज स्क्रीन लार्ज कीबोर्ड है। अब इसमें मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि नंबरी की, ठीक है। तो नंबरी की क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड टू इंटर द न्यूमेरिक डाटा और कर्सर मूवमेंट, ठीक है, और न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए होता है। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 17 कीज। न्यूमेरिक की में कितने स्की होते हैं, 17। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी स्कीज आर प्रेजेंट इन अ न्यूमेरिक की पैड और न्यूमेरिक की, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए 17 की दैट आर लेड आउट इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड बाय मोस्ट एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे जो कैलकुलेटर में काम होता है, जो कि इसमें क्या होता है कि 0 to 9 नंबर होते हैं और आपको बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस एडिशन, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। फिर एक छोटा सा इंटरवल टर्म होता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास फिर फुल साइज आया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, फंक्शन बटन होता है, फिर यहाँ से लेकर के ये न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, ये है अल्फा न्यूमेरिक टाइपिंग कीज। देखिए आपने अभी पढ़ा न्यूमेरिक की, तो नंबरिंग की में क्या था कि 0 to 9 नंबर थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन थे। इसमें भी क्या होता है कि ये है, इसको हम अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं और इसको टाइपिंग कीज क्यों बोलते हैं। जब भी हम टाइप करते हैं तो हमें टाइप करते हैं तो हम इंग्लिश टाइप करें या फिर जो भी टाइप करें, तो हमारे जो भी टाइपिंग में मोस्ट कॉमनली यूज्ड बटन्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक की क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, दो वर्ड से बना, अल्फा और न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में होता है अल्फाबेट प्लस नंबर एंड सिंबल्स, ये होता है अल्फा न्यूमेरिक। मींस अल्फाबेट एंड ए टू जेड, और नंबर मींस 0 to 9 एंड सम कॉमन यूज्ड सिंबल्स। ये आप देख सकते हैं व्हाट,
प्लस, ये सब जो है स्मॉल और ग्रेटर देन, माइनस, सेमी कॉलन, कॉलन, तो ये मिल करके क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज और आर टाइपिंग कीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा न्यूमेरिक टाइप और टाइपिंग कीज के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, आप देख ले सकते हैं कि अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक एंड पंक्चुएशन की आर यूज्ड इन द सेम फैशन एज अ टाइपराइटर कीबोर्ड टू इंटर देयर रेस्पेक्टिव सिंबल इनटू अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर, डाटा स्प्रेडशीट और अदर प्रोग्राम। नोट, मेनी ऑफ दिस कीज विल प्रोड्यूस डिफरेंट सिंबल्स व्हेन मॉडिफायर की और शिफ्ट की आर प्रेस्ड। चलिए, फर्स्ट नोट का मतलब है कि मेनी ऑफ दीज कीज, यानी कि जो हमारे पास कीज हैं, ठीक है, जो प्लस माइनस या वगैरह वगैरह जो भी हैं, जिस बटन्स पे दो बटन्स हैं, किसी पे सिंगल्स बटन है, तो मेनी ऑफ दीज कीज विल प्रोड्यूस डिफरेंट सिंबल्स व्हेन मॉडिफायर की और शिफ्ट की आर प्रेस्ड। जैसे देखिए, आपके पास ए है, ए बटन जो है उसको अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल लिखेगा, स्मॉल अल्फाबेट में टाइप होगा। क्यों, कब होगा, जब आपका कैप्स लॉक ऑन रहेगा। अगर कैप्स लॉक ऑन है और आप किसी भी अल्फाबेट्स को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो किस में लिखे राइट होगा, स्मॉल लेटर्स में। अगर वही कैप्स लॉक आपका ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है और आप लिखना चाहेंगे शिफ्ट के साथ जो भी अल्फाबेट, वो आपको स्मॉल एंड डेट मीन्स बिग अल्फाबेट में लिखेगा। ठीक है, द अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स बिकम अन अपर केस, यहाँ पर देखिए सेकंड नोट्स में ही लिखा गया है कि द अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स बिकम अपर केस व्हेन द शिफ्ट की और कैप्स लॉक की इज डिप्रेस्ड एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो वो स्मॉल लिखेगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ है और शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो वो बिग अल्फाबेट में लिखेगा। और जैसे देखिए, कंट्रोल जेड है, तो जेड क्या है, अल्फाबेटिक बेल्ट बेट है, और कंट्रोल क्या है, ये है मॉडिफायर की। तो यही फर्स्ट नोट में बोला गया है कि जो भी हमारे पास मॉडिफायर की के साथ इस अल्फा न्यूमेरिक की को यूज़ करते हैं तो वो एक अलग ही काम करते हैं, अलग ही टास्क परफॉर्म करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है ये फुल कीवर्ड, और फिर आगे देखते हैं इसमें कि नेविगेशन की, नेविगेशन की क्या होता है, कि नेविगेशन की इज यूज टू मूव द सिलेक्टेड आइटम एंड कर्सर राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। सिलेक्टेड आइटम जैसे आप वर्ड में है या पावर पॉइंट में काम कर रहे होंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि अगर आपको कोई सेप है, सिलेक्ट कर लिए तो आपको लेफ्ट राइट अप डाउन जाना है तो आप नेविगेशन की का यूज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फुल स्क्रीन कीबोर्ड, और आपको फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या है कि मॉडिफायर और कंट्रोल की। देखिए, मॉडिफायर और कंट्रोल की क्या होते हैं कि दीज की प्रोवाइड कर्सर और स्क्रीन कंट्रोल। ये हमारे पास क्या करते हैं कि कर्सर और स्क्रीन कंट्रोल करते हैं। इट इंक्लूड्स फॉर डायरेक्शनल एरोज कीज, कंट्रोल कीज आल्सो इंक्लूड होम, इंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्ट, एस्केप। यानी कि ये सब बटन्स का क्या है, नेम है। ठीक है, मॉडिफायर की आर स्पेशली स्पेशल कीज दैट मॉडिफाई द नॉर्मल एक्शन ऑफ अनदर की। जैसे देखिए, हम अगर जेड को प्रेस करते हैं या फिर ए को, सिंपल ए को प्रेस करते हैं तो वो क्या टाइप करेगा, ए प्रेस कर देगा। अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हो तब, ठीक है, या फिर कहीं राइटिंग का प्रोसेस हमारा हो तब वहाँ पे प्रेस करेंगे तो ए टाइप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी ए को कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को प्रेस की करके रखें और फिर ए को उसके बाद ए को प्रेस करें तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे इंटायर टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कंट्रोल प्लस ए को बोलते हैं सेलेक्ट ऑल। तो यही बता रहा है कि जब भी हम मॉडिफायर की किसी दूसरे की के साथ में यूज़ करते हैं तो ये अलग ही टास्क परफॉर्म करते हैं। व्हेन द टू आर प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन, जब दो को एक कॉम्बिनेशन में प्रेस किया जाता है तो ये अलग ही टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल में है जैसे Alt F4 से आई इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विल क्लोज द प्रोग्राम इन एक्टिव विंडोज। जो हमारा एक्टिव विंडो, जैसे मैं अभी अपने पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ तो हमारे ये क्या है, एक्टिव विंडो है, और अदर जो प्रोग्राम हमारे बैकग्राउंड्स में चल रहे हैं
जो कि जिसको कि मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इस वक्त, तो वो क्या है, इनएक्टिव विंडोज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो टर्म जानेंगे, एक्टिव विंडोज़ और इनएक्टिव विंडोज़। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पर फुल स्क्रीन फिर आपको कीबोर्ड में दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा समरी दे देता हूँ कि यहाँ पे होता है ये फंक्शंस बटन्स होते हैं, फिर यहाँ पे नंबर्स कीज होते हैं, फिर ये नेविगेशन की होते हैं, फिर आपको मॉडिफायर और कंट्रोल की कहाँ कहाँ रहते हैं। देखिए ये भी एक ग्रुप है मॉडिफायर और कंट्रोल्स कीज का। देखिए कंट्रोल बटन हमारे पास कीबोर्ड में दो होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ पर रीज़न बताने वाला हूँ कि आप देख रहे होंगे भाई एक कीबोर्ड में दो दो बटन्स क्यों दिए गए हैं। तो इनका क्या मेन पर्पस है कि आपसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ किस लिए करते हैं, कोई भी काम को फास्ट करने के लिए। तो आप पे आपको अगर इस ए के साथ कौन सा कंट्रोल नज़दीक है, तो ये हमारा हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि कंट्रोल कौन सा लेफ्ट साइड वाला, और इस कंट्रोल राइट साइड वाले से कितना डिस्टेंस दूरी है। तो ये कंट्रोल ये कॉम्बिनेशन और मॉडिफायर की है कि इसके साथ दूसरा की यूज़ करेंगे तो हमारा दूसरा नेक्स्ट टास्क परफॉर्म हो गया, एक नया टास्क ही परफॉर्म होगा। तो उनको इजिली एक्सेस करने के लिए, इजिली शॉर्टकट इजी वे में करने के लिए दो दो बटन्स डिस्टेंस के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। और ये रीजन इंटर बटन के साथ नहीं है कि दोनों बटन्स अलग अलग दिए गए हैं। ये है कि जैसे नंबर को इंटर करना है और इन फर्स्ट वे, तो यहाँ से नंबर इंटर करें और यहाँ जाए तो हमारे पास क्या अधिक टाइम लगेगा किस इस इंटर के पास जाने के लिए। तो इसलिए इस इंटर को दिया गया ताकि हम जल्दी ही अपने नंबर को कंप्यूटर में इंटर कर सके, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, देखिए ये है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की क्या होता है कि कीबोर्ड ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस की सच एज इंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, न्यूम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। जो भी आपके बटन पर दिखता है, प्रिंट स्क्रीन, सिस्टम रिक्वेस्ट, स्क्रॉल लॉक, पाउज, ब्रेक, ठीक है। देखिए प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, प्रिंट स्क्रीन बटन मैं बता दूँ आपको क्या करता है कि प्रिंट स्क्रीन, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्रीन को प्रिंट करो, ठीक है। तो जब भी कुछ साल पहले जैसे करीब 1980 के करीब जो हमारे पास सिस्टम लिनक्स पे वर्किंग करते थे, तो वो क्या करता था कि जैसे ही प्रिंट स्क्रीन आप कीबोर्ड से अपना बटन प्रेस करते थे तो आपका जो भी प्रिंट स्क्रीन पे जो भी चीज़ दिखता था वो डायरेक्ट प्रिंट आउट हो जाता था। लेकिन इस सिस्टम को हटा दिया गया, अब क्या करता है ये प्रिंट स्क्रीन बटन काम कि आपके स्क्रीन पे जो भी शो होता है उसको क्या करता है, कॉपी कर लेता है अपने क्लिपबोर्ड में। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज क्लिपबोर्ड, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए फिर है स्क्रोल लॉक। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो इसको लॉक किया जा सकता है इस बटन को यूज़ करके। फिर है पाउज ब्रेक। पाउज ब्रेक का यूज़ अब जनरली नहीं है, इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये फुल साइज कीबोर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखिए मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ इस स्लाइड पे, पूरे फुल डिटेल्स देने वाला हूँ कि कौन सा कीबोर्ड कहाँ होते हैं उनके बारे में, ठीक है, और कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस क्या है। चलिए देखिए फर्स्ट है हमारे पास एस्केप की, एकदम ऊपर से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। एस्केप की क्या होता है, यूज़ होता है इसका, हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम से जस्ट क्विट, किसी प्रोग्राम को जैसे आप गेम खेल रहे हैं और गेम फुल स्क्रीन में खेल रहे हैं, उसे बाहर आपको आना है तो सिंपली एस्केप की दबाइए। एस्केप मतलब छूटना, ठीक है, किसी भी चीज़ों से छूटना। एस्केप, लेट मी एस्केप, मुझे छोड़ दो, ठीक है, वो उस प्रोग्राम से हम बाहर निकल जाते हैं। फिर है हमारे पास फंक्शन की, देयर आर 12 फंक्शंस की इन आवर कीबोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड की। फिर है हमारे पास ये न्यूमेरिक कीपैड। फिर हमारे पास ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे पास इंडिकेटर है, ठीक है, जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो इंडिकेट करता है हमारे ब्लॉक नम यानी कि नम लॉक को। जो ये बटन जब प्रेस कर देंगे तो अगर ये लाइट जल रही है यानी कि ऑन है, अगर इसको ऑफ कर दें, लाइट नहीं जल रही है, तो आप इस बटन को एक्सेस नहीं कर सकते, ये बटन कुछ भी परफॉर्म नहीं करती है। ब्लॉक नम लॉक क्या करते हैं, इन बटन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इनका एक्सेस पॉइंट कट कर देता है। फिर हम, ठीक है,
तो देख सकते हैं आप यहाँ से ये नमलॉक इस बटन्स का, इस ग्रीन ये लाइट के लिए, ये लाइट अगर जल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नमलॉक ऑन है, नमलॉक ऑन है, डेट मीन्स हम इसको यूज़ में इस बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ऑफ रहता तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, ये है मॉडिफायर कीज़। फिर हमारे पास ये है स्पेशल पर्पस कीज़। फिर देखिए यहाँ पे है आपका ये स्पेशल पर्पस, यानी कि ब्लॉक स्क्रॉल, स्क्रॉल लॉक करने के लिए ये बटन्स हैं। फिर हमारे पास आता है एक और है, यहाँ देखिए टैब है, टैब भी क्या है, स्पेशल पर्पस बटन ही है। शिफ्ट है, यहाँ पर भी शिफ्ट है और एक साइड इस यहाँ पर भी शिफ्ट है। जो मैंने कंट्रोल का पहले कारण बताया था कि दो कंट्रोल क्यों दिए गए हैं, दो शिफ्ट क्यों दिए गए हैं, सेम थिंग वही है। डिस्टेंस ओनली फॉर फास्ट एक्सेस ऑफ आवर कीबोर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इंटर कीज। फिर हमारे पास स्पेस बार, कंट्रोल की। देखिए ये है जो कीबोर्ड है, आप देख रहे हैं ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कीबोर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी जो लिनक्स का आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर विंडोज़ वाले में विंडोज़ का सिंबल लगा रहता है, दो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर सिंबल है। दैट मीन्स आपको विंडोज़ बटन प्रेस करेंगे तो आपको पॉपअप, जैसे ऑल प्रोग्राम 2007 में आप करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑल प्रोग्राम्स, यानी कि स्टार्ट बटन जो हम बोलते हैं कि स्टार्ट बटन पर किसी पर जाओ और स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम को एक्सेस करो, तो उसी तरह से हम लोग स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए ये विंडोज़ बटन का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है ये अल्ट बटन, अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट बटन, सीटीएल का पूरा नाम होता है कंट्रोल बटन। फिर हमारे पास ये है मेनू बटन। मेनू बटन क्या करता है कि आपके जो भी आप करंट विंडोज़ में हैं उनमें ये शॉर्टकट मेनूज ओपन करता है। फिर हमारे पास है ये बैक बटन। बैक बटन का काम क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को लिखे हैं तो इसको, वो बैक बटन और डिलीट बटन में बेसिक डिफरेंस क्या है आप जान लीजिए। देखिए आप जब भी वर्ड प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो बैक बटन प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले टेक्स्ट डिलीट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, करके देखिएगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। बैक बटन से प्रेस करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड वाला जो भी लिखा हुआ चीज़ होता है वो डिलीट होता है। और डिलीट बटन से जब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो तो डिलीट बटन से आपके राइट साइड वाला चीज़ें डिलीट होती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है ये नेविगेशन की, ठीक है। फिर हमारे पास कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक क्या करता है कि ये अगर मान लीजिए आपको केवल और केवल ये अपर केस में ही टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर लें और अपर केस में ही टाइप कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखाया जो कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक का भी एक ये चीज़ होता है। कैप्स लॉक जैसे ही आएगा, देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक का यहाँ पे गया एरो ए पे, तो ये क्या है, ए, दैट मीन्स ये कैपिटल लिखा हुआ है। अगर ये बटन जल रहा हो बीच वाला कीबोर्ड्स में तो आप समझ जाए कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है, हमारे जो भी हम टाइप करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। चलिए इस पे अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है समरी, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, ए टू जेड होता है और 0 to 9 इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल पंचुएशन मार्क्स होते हैं। फिर मॉडिफायर की में क्या होता है, शिफ्ट कंट्रोल फंक्शन अल्ट, कर्सर कीज में एरो की, पेज अप पेज डाउन, होम इंड टैब, इंसर्ट डिलीट, बैक स्पेस, लॉक कीज, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक होते हैं। सिस्टम कमांड्स में होते हैं प्रिंट, प्रिंटर स्क्रीन, सिस्टम रिक्वेस्ट। ब्रेक की में हो पॉज ब्रेक, स्केप की में स्केप की, इंटर की में इंटर की, अल्फा न्यूमेरिक ग्रुप और इंटर की ना नंबर पेड ग्रुप है। फिर है मेनू की और एप्लीकेशंस की, इसको शॉर्टकट मेनू बटन भी बोलते हैं इसको। नंबर पैड में क्या होता है, नंबर कीज 0 to 9 और सिंपल बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इंटर की रहते हैं। नंबर पैड हो गया। फिर हो गया मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज में क्या क्या होते हैं, देखिए बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, स्टॉप, सर्च, फेवरेट, होम पेज, म्यूट द वॉल्यूम, लोअर द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, स्टॉप, प्ले पॉज, ईमेल, मीडिया प्लेयर, माय कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये सब हमारे पास कीबोर्ड में सबसे फंक्शंस की के भी ऊपर ये माउंटेड रहते हैं, ठीक है, फिजिकल कीबोर्ड में आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीज लिस्ट। देखिए आपको मैं बता दूं कि जैसे जो भी है ब्राउज बैक, तो ये ग्रुप है,
और इसमें आपको बैक बटन्स मिलते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कीज ऑफ कीबोर्ड। देखिए स्कैप की, द स्कैप की ऑफ्टन एब्रिवेटेड ESC नियरली ऑल ऑफ द टाइम। ठीक है, देखिए इसका नाम अलग अलग, कहीं ES मिलेगा, कहीं ECS मिलेगा, कहीं ESC। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफ्टन मतलब अधिकांशतः ESC ही आपको दिखने का मिलेगा। फिर है सिंगल स्टॉप, यानी कि सिंगल स्टॉप है क्वाइट लेट मी गेट आउट ऑफ अ डायलॉग, और अब पॉपअप विंडोज लेट मी स्कैप। ठीक है, यानी कि अगर डायलॉग को छोटा है उसको ऑफ करना है तो आप स्कैप करेंगे तो आप बाहर आ सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास एक है, देखिए इसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ की ऑफ कीबोर्ड। जैसे देखिए द बेस्ट सीटिंग पोजिशंस ऑफ फॉर यूजिंग कीबोर्ड एंड सिस्टम ऑल्सो। देखिए ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं कि आपको अपने कीबोर्ड्स को इस पोजिशन में एक्सेस करेंगे, इस पोजिशन में यूज़ करेंगे तो आप फ्लेक्सिबल फील करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल फील करेंगे। ओके, तो आप ट्राई करके जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आता है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं पूरे शॉर्टकट्स, जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो कि हर व्यक्ति को हर दिन यूज़ में आने वाला है, बट हम नहीं जानने के कारण उसका यूज़ नहीं करते हैं और मैनुअली माउस से एक ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में जा जा करके काम करते हैं, जो कि हमारे पास कीबोर्ड से डायरेक्टली होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है इस स्लाइड्स को A to Z शॉर्टकट। डैट मीन्स हमारे पास जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कंट्रोल की के साथ प्रेस करेंगे तो अलग ही टास्क परफॉर्म होगा, वो मैं यहाँ पे पूरा लिस्टेड किया हूँ। एक बार मैं देखिए आप लोगों को केवल यहाँ पे मैं रीड करके मैं वर्बली बताऊँगा, फिर मैं आपको इसी वीडियो में मैं कुछ जो है उनको प्रैक्टिकली करके भी शॉर्टकट्स कीज को दिखाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो के साथ एक बिल्कुल बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें। ठीक है, तो फर्स्ट कीबोर्ड है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल ए, दीज टू की विल सेलेक्ट द ऑल टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आप जिस वर्ड प्रोसेसिंग या फिर जैसे दैट मीन्स कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, वर्ड पे काम कर रहे हो और पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, तो आपको ये क्या करता है कंट्रोल ए प्रेस करने से सेलेक्ट ऑल पूरे को सेलेक्ट कर लेता है, वो ऑब्जेक्ट हो या टेक्स्ट हो। ठीक है, फिर कंट्रोल बी जितने भी आपके सेलेक्ट टेक्स्ट क्या होंगे, जितने भी टेक्स्ट सेलेक्ट होंगे उनको केवल टेक्स्ट सेलेक्टेड को कंट्रोल बी से वो बोल्ड करता है, थोड़ा मोटा कर देता है। कंट्रोल सी कॉपी एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल सी में कि कॉपी एनी सेलेक्टेड, यहाँ पर वर्ड डाला गया सेलेक्टेड, क्यों? क्योंकि बिना किसी चीज़ को सेलेक्टेड, अगर आपको मैं एक हिंदी प्योरली हिंदी मैं बताऊँ तो आपको अगर किसी को मारना हो तो बिना पकड़े आप नहीं मार सकते हैं, आपको खुद मारना हो तो किसी दूसरे से तो मरवा सकते हैं, लेकिन आपको अगर खुद उस व्यक्ति को मारना हो या फिर कुछ उसके साथ करना हो तो बिना आप उसको पकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी वही लिखा गया है चीज़ कि कॉपी एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट, जब तक आप उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कॉपी नहीं करेगा। फिर है कंट्रोल डी बुक मार्क। देखिए जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो क्या कर लेगा, उस पेज को बुकमार्क कर लेगा। बुकमार्क क्या है नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा बुकमार्क क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, सॉरी मैं बता सकता था इसमें, लेकिन बहुत सॉरी बड़ी लंबी होने वाली वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग ओपन होने का मतलब कि आपके पूरे फॉन्ट्स का सेटिंग्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल ई है सेंटर टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं वो क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। कंट्रोल एफ ओपन फाइंड विंडोज, फिर कंट्रोल जी से है ओपन फाइंड, ये दोनों क्या होते हैं, कंट्रोल एफ से कल फाइंड होता है, कंट्रोल जी से गो होता है, जी फॉर गो एफ फॉर फाइंड, तो ये दोनों क्या है, एफ से फाइंड होता है विंडोज में और जी से गो टू अगर आपको किसी पे जाना हो गो टू। ठीक है, इसका अगर मैं जब वर्ड का ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरा डिटेल्स में आपको भी बताने वाला हूं कि किस इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा कि बस इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है शॉर्टकट का, अगर आप जानते होंगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल एच ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस इन नोट पैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड पैड। ठीक है,
ओपन द फाइंड, फाइंड बटन को ये एज क्या करता है कि दोनों को फाइंड और गो टू को दोनों को एक ही साथ ओपन कर देता है, और एफ और जी क्या करता है अलग अलग ओपन करता है। इटिलाइज टेक्स्ट, कंट्रोल आई से इटिलाइज टेक्स्ट होता है, डेट मीन्स आपको इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को झुका सकते हैं। फिर कंट्रोल जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट को जस्टिफाई करते हैं। फिर कंट्रोल हाइपरलिंक बनाने के लिए कंट्रोल एल, ये लेफ्ट में अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल एम। इंडेंट, इंडेंट क्या होता है कि इंडेंट का मैं डेफिनेशन आपको बता दूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन योर मार्जिन्स एंड द टेक्स्ट इज नोन एज द इंडेंट, इंडेंट, ठीक है। अब इंडेंट क्या है आप समझ सकते हैं, जैसे आपको कॉपी में बता दें, जो कॉपी में आपका जो चौथाई है जिसको मार्जिन्स बोलते हैं, मार्जिन लाइन, ठीक है, मार्जिन लाइन से अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं मार्जिन लाइन से, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेंट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ कर सकते हैं। फिर कंट्रोल एन है क्रिएट अ न्यू पेज और अन डॉक्यूमेंट्स, वर्ड में अगर काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल जैसे ही एन प्रेस करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे, ठीक है, ओके। कंट्रोल से ओपन अ फाइल इन अ मोस्ट प्रोग्राम, अगर किसी प्रोग्राम में जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइट रूम, एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, या फिर आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, जिसमें भी काम कर रहे हों, जनरली ऑल प्रोग्राम्स में, तो कंट्रोल ओ से आपका फाइल्स को ओपन एक्सेस करने के लिए पॉपअप ओपन हो जाता है। कंट्रोल पी से ओपन अ प्रिंट विंडो, प्रिंट विंडो ये जनरली हर जगह काम करता है ये शॉर्टकट की। फिर कंट्रोल क्यू है इज यूज टू रिमूव द पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग, जब वर्ड में आप करेंगे जो अगर कोई फॉर्मेटिंग लगाए हैं उसको रिमूव करना है तो कंट्रोल क्यू सिंपली प्रेस कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल एस्पेस से भी कंट्रोल एस्पेस से पूरा फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाता है, और कंट्रोल क्यू से केवल पैराग्राफ्स का ये फॉर्मेटिंग रिमूव होता है। फिर कंट्रोल आर है रीलोड पेज इन ब्राउजर और राइट अलाइनमेंट, ठीक है, अगर ब्राउजर में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल आर से आपका पेज रीलोड होगा, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आर से क्या होगा राइट साइड आपका टेक्स्ट लिखाएगा। फिर है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस होता है सेव द डॉक्यूमेंट और फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल टी क्रिएट अ न्यू टैब इन इंटरनेट ब्राउजर और एडजस्ट टैब इन वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, कंट्रोल टी से क्या होता है वेब ब्राउजर में आपको नया टैब ओपन कर सकते हैं, नया टैब दैट मीन्स न्यू टैब एंड न्यू विंडोज में क्या डिफरेंस है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कंट्रोल यू है अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर देगा अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल वी पेस्ट एनी टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड, देखिए ठीक है, आपको कंट्रोल जो वी है वो क्या करता है, जो भी आप कंट्रोल, देखिए मैं एक थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू से होता है क्या किसी भी ब्राउजर को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप उसके डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं, पूरे विंडोज़ को नहीं, पूरे प्रोग्राम्स को नहीं, केवल उसके जो वर्ड कोई फाइल है, जैसे आपका कुछ प्रोजेक्ट फाइल है, दो प्रोजेक्ट फाइल है, एक प्रोजेक्ट फाइल को आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप क्लोज बटन पर क्लिक ना करके आप डायरेक्ट कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आपका वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। फिर है कंट्रोल एक्स कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा उसको कट कर लेगा। तो आप देखिए कंट्रोल सी कॉपी भी जब करते हैं आप, तो आपका जो भी डाटा है वो क्लीबोर्ड में चला जाता है। क्लीबोर्ड क्या होता है, क्लीबोर्ड होता है आपका टेम्प्रोरी मेमोरी, ठीक है। फिर कंट्रोल एक्स भी जब कट करते हैं तो वो भी क्या चलता है क्लीबोर्ड में, और कंट्रोल भी क्या करता है जो भी चीज़ क्लीबोर्ड में रहता है उसको उठा करके वहाँ पेस्ट कर देता है, ठीक है। कंट्रोल वाई से क्या होता है दिस कीज विल रीडो एनी अंडो एक्शंस, ठीक है, कोई भी अगर स्टेप हम आगे फॉरवर्ड हो गया है या फिर बैकवर्ड हो गया, दैट मीन्स कंट्रोल वाई से होता है रीडो मीन्स रीडू माने दोबारा करो, जो चीज़ हमने करके पीछे आगे चला गया उसको बोलता है रीडू मतलब दोबारा करो। फिर कंट्रोल जेड होता है अनडू मतलब क्या मत करो, ये चीज़ मत करो, ठीक है, अनडू। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज, ठीक है, वो ए टू जेड हो गया। मैं अगर आपको जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या कह देता है कि उनको ए से लेकर जेड तक के जो भी उनसे रिलेटेड मीनिंग है कम से कम 26 मीनिंग उनको लर्न करा दिया जाता है।
तो इसी तरह मैं आपको शॉर्टकट्स की बताने के लिए ए टू जेड दैट मीन्स ए से लेकर के जेड अल्फ़ाबेट तक सारे कम्बिनेशंस का की को शॉर्टकट बना करके आपको बता दिया। अब हम इनका जनरली यूज देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये कॉमनली यूज शॉर्टकट कीज हैं। फर्स्ट है F1, यूनिवर्सल हेल्प। F1 आप प्रेस करेंगे किसी भी प्रोग्राम में आपको हेल्प मिलेगा, हेल्प पॉपअप ऑप्शन, हेल्प विंडोज ओपन हो जाएगा। फिर अल्ट F है, फाइल मेनू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम। आप जिस प्रोग्राम में ओपन हैं, जिस प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्ट F प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आपका क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जो ऑप्शन होते हैं वही अब मेनू के रूप में, ठीक है, यहाँ पे मेनू की जैसे पॉपअप ओपन हो जाते हैं। फिर कंट्रोल A है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल X मीन्स कट द सेलेक्टेड आइटम, कंट्रोल C कॉपीज द सेलेक्टेड आइटम, कंट्रोल V पेस्ट कॉपीड आइटम। होम क्या करता है कि होम मीन्स क्या, घर, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा घर, हम अगर कहीं भी घूमने जाए, पूरे वर्ल्ड घूम करके कहाँ आते हैं, घर, तो क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यही क्या, होम को प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी हमारा टेक्स द यूज़र टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन, यानी कि हमारा जो कर्सर कहाँ चला जाता है, सबसे फर्स्ट लाइन पे। फिर इंड है तो सबसे लास्ट लाइन पे। फिर कंट्रोल होम है टास्क द यूज़र टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में, ठीक है। फिर कंट्रोल इंड होता है डॉक्यूमेंट्स के अंत में। फिर शिफ्ट होम होता है हाईलाइट्स फ्रॉम द करेंट प्लेस टू द बिगिनिंग लाइन। ये क्या करता है, शिफ्ट होम हाईलाइट फ्रॉम द करेंट प्लेस, यानी कि जहां आप हैं, जहां कर्सर है हमारा, वहां से लेकर के बिगिनिंग लाइन तक, यानी कि शुरुआती तक वह क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। फिर शिफ्ट इंड, फिर क्या करता है ये, हाईलाइट्स फ्रॉम द करेंट प्लेस टू द इंड ऑफ लाइन। क्या करता है ये, शिफ्ट जहां आप कर्सर है वहां से लेकर के लास्ट डॉक्यूमेंट तक पूरे चीज़ों को वो क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जनरल कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। कंट्रोल है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी द सेलेक्टेड कंटेंट, कंट्रोल है ओपन अ न्यू कंसोल और अ न्यू डॉक्यूमेंट्स और अ न्यू विंडोज, ठीक है। अगर यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो अगर फाइल एक्सप्लोरर में, तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल V मीन्स होता है प्रेस द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल W क्लोज, कंट्रोल X कट, कंट्रोल Y रीडो, कंट्रोल Z अंडो। कंट्रोल अगर देखिए, कंट्रोल को आप प्रेस किए रहेंगे ये पावर पॉइंट में चाहे फिर या वर्ड में, तो आप उसको कंट्रोल को प्रेस करके किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका डुप्लीकेट बना देता है। विल ड्रैगिंग एन आइटम कॉपी द सेलेक्टेड आइटम, उसको क्या बोलता है, डुप्लीकेट बना देता है। फिर कंट्रोल शिफ्ट विल ड्रैगिंग एन आइटम क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ द सेलेक्टेड आइटम, उसका शॉर्टकट बना देता है। अगर आप किसी को कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्रेस करके ड्रैग करेंगे पावर पॉइंट में, तो उसको डुप्लीकेट बना करके इन अ सेम मार्जिन में उसको लेकर के स्ट्रेट मूव करता है, ठीक है। स्ट्रेट लेफ्ट राइट मूव करेगा या स्ट्रेट अप डाउन मूव कर सकते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ओपन द टास्क मैनेजर। ये टास्क मैनेजर आपका क्या है कि इसमें आप पूरे अपने सिस्टम्स का क्या, हमारे प्रोग्राम चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, कितना CPU यूज़ कर रहा है, वो पूरा टास्क मैनेज कर सकते हैं, पूरे देख सकते हैं इसको यूज़ कर। लेकिन आप नहीं जानते इसके बारे में, टास्क मैनेजर के बारे में, तो आप ओपन नहीं कीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट विथ एनी ऑफ द एरो कीज हाईलाइट सेलेक्टेड अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट से क्या होता है कि विथ एनी ऑफ द एरो की, जब भी हम कोई भी एरो की यूज़ करेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसका मैं आपको MS Word का ट्यूटोरियल्स में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन आप केवल यहाँ पर सिंपली जानिए कि किस की से क्या होता है बस। कंट्रोल स्केप डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू। कंट्रोल स्केप से क्या करता है, स्टार्ट मेनू डिस्प्ले होता है। कंट्रोल F4 से क्या, क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन अ प्रोग्राम दैट इनेबल यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन साइमल्टेनियसली। कंट्रोल F4 से होता है कि आप पूरे ये प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, इनेबल कर सकते हैं, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को पूरे को क्लोज कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक से क्या होता है कि ओपन द लिंक इन द ब्राउजर। जैसे आप देखे होंगे कि आपने जो भी कभी लैपटॉप या फिर PC पे अगर ब्राउज किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही ब्राउज करते हैं और कोई लिंक आता है, जो भी हमारे जैसे आप सर्च किए कि PPT फॉर शॉर्टकट की, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं PPT फॉर शॉर्टकट की, या फिर PPT ऑफ पाठक एजुकेशन सेंटर,
आपने सर्च किया PPT फॉर पाठक एजुकेशन सेंटर, तो आप बहुत सारे लिंक आ गए, जैसे फर्स्ट लिंक है तो उसको क्लिक कीजिएगा तो वो ब्राउज में आपके ही जिस टैब में है उसी में ओपन हो जाएगा। लेकिन आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस किए रहें और उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, न्यू विंडोज़ में ओपन हो जाएगा, टैब में ओपन होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जनरल कंप्यूटर शॉर्टकट की, अभी वही चल रहा है। अल्ट डी क्या होता है, सेलेक्ट द एड्रेस बार। अल्ट इंटर व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड आइटम, कोई भी आइटम आप सेलेक्ट किए हैं उसका प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। अल्ट एफ फॉर क्लोज द एक्टिव आइटम, यानी कि अल्ट एफ फॉर से कहते हैं एक्टिव विंडोज और एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। अल्ट स्पेस बार ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर एक्टिव विंडोज, एक्टिव विंडोज के लिए उनको शॉर्टकट मेन्यू ओपन करता है। अल्ट टैब स्विच बिटवीन टू ओपन प्रोग्राम्स विंडोज, इससे क्या होता है कि आपको दो दो प्रोग्राम्स हम ओपन किए हुए हैं तो उनके बीच में क्या करता है, ये स्विच करता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, हम लोग डायरेक्टली माउस से क्लिक ना करके डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। अल्ट एस्केप से क्या होता है, साइकिल थ्रू प्रोग्राम्स विंडोज इन द ऑर्डर दैट हैड बीन ओपन। देखिए अल्ट एस्केप से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपने प्रोग्राम ओपन तो कर लिया है, लेकिन प्रोग्राम तो आप ओपन कर लिए हैं बट आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए आप दो तीन प्रोग्राम, सपोज डैट फाइव प्रोग्राम्स ओपन कर लिए, आप पहले ओपन किए फाइल एक्सप्लोरर, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर क्रोम, फिर पावर पॉइंट, तो आपके ये जैसे जैसे ओपन किए हैं वैसे ये अरेंजमेंट में ही मूव आपको कराएगा, बस यही है। अल्ट स्पेस बार डिस्प्ले द सिस्टम मेनू फॉर द एक्टिव विंडोज, ठीक है। फिर शिफ्ट विथ एनी एरो की सेलेक्ट मोर देन वन आइटम इन अ विंडोज, और अब शिफ्ट के साथ अगर आप कोई एरो प्रेस करेंगे तो आपको किसी भी जैसे फाइल एक्सप्लोरर में आपको अलग मेनी फाइल्स को एक वन टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F10 डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू फॉर सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, सेलेक्टेड आइटम्स के लिए आपको वो डिस्प्ले कर सकता है। डिलीट क्या होता है, डिलीट द कंटेंट एंड मूव इट टू द रिसाइकल बिन, अगर आप सिंपली किसी फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो फाइल डायरेक्टली रिसाइकल बिन में चला जाता है, अगर उसी फाइल को सेलेक्ट करके और शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाता है। राइट एरो ओपन द सब मेनू फॉर ओपन द नेक्स्ट मेनू टू द राइट, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप राइट एरो का यूज़ करेंगे आप मेनू में तो वो राइट साइड से जो राइट एरो तरफ खुले ओपन करेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट एरो की तरफ ओपन करेगा। बैक स्पेस क्या होता है, व्यू द फोल्डर वन लेबल अप इन माई कंप्यूटर विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। बैक स्पेस क्या होगा कि अगर हमने कोई फाइल के अंदर फाइल में ये इंटर कर गया है तो हम फाइल से बाहर स्टेप जैसे जैसे हमने इंटर किया वैसे से बाहर आना है, तो आप बैक स्पेस प्रेस करते जाएंगे तो आप सिंपली डायरेक्ट अपने माई कंप्यूटर वाले फर्स्ट स्क्रीन पे आ सकते हैं। फिर एस्केप है कैंसिल द करंट टास्क, और शिफ्ट के साथ आपको व्हेन यू इंसर्ट सीडी रोम इनटू द सीडी रोम ड्राइवर प्रिवेंट द सीडी रोम फ्रॉम ऑटोमेटिकली प्लेइंग, यानी कि शिफ्ट के व्हेन यू इंसर्ट है तो आप सिर्फ प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्ले होने लगेगा। फिर हमारे पास कंप्यूटर शॉर्टकट की विंडोज़ की, देखिए हमारे जो लैपटॉप है, जो हमारे पास सिस्टम है उनमें विंडोज़ बटन होते हैं और उनका उनके साथ जो भी कॉम्बिनेशन है विंडोज़ को प्रेस करेंगे डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट स्क्रीन। फिर विंडोज़ बी सेट फोकस इन द नोटिफिकेशन एरिया, फिर विंडोज़ डी शो और हाइड द डेस्कटॉप, विंडोज़ ई ओपन फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज बटन प्लस एच ओपन द शेयर चार्म, विंडोज बटन प्लस आई ओपन द सेटिंग, विंडोज प्लस के ओपन द डिवाइस चार्म, विंडोज प्लस एल लॉक योर कंप्यूटर, ठीक है, विंडोज प्लस एम मिनिमाइज ऑल विंडोज, विंडोज प्लस आर ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, विंडोज प्लस एस सर्च विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट की, देखिए ये मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट की नहीं डालता, मैं डाला हूँ इसलिए ताकि क्योंकि जो भी माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ आते हैं तो बेसिकली जो भी डाटा एंट्री का जॉब करते हैं उनको ये वर्ड में भी काम आता है, एक्सेल में भी काम आता है और पावर पॉइंट में भी थोड़ा मोड़ा काम आता ही आता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें लिस्ट कर दिया हूँ। तो कंट्रोल F4 से का क्लोज विंडोज इन द प्रोग्राम, अल्ट F4 क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम, F2 रीनेम द सेलेक्टेड आइकन, F3 स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, F4 ओपन द ड्राइव सिलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग, F5 रिफ्रेश कंटेंट, अल्ट टैब
स्विच फ्रॉम ओपन एप्लीकेशन, ठीक है, अल्ट शिफ्ट टैब, स्विच बैकवर्ड्स बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, अल्ट प्रिंट स्क्रीन, क्रिएट स्क्रीन शॉट ऑफ ए करंट प्रोग्राम, कंट्रोल अल्ट डेल, ओपन विंडोज टास्क मैनेजर, रीबूट, ठीक है। फिर है कंट्रोल अप एस्केप, ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू, अल्ट एस्केप, स्विच बिटवीन एप्लीकेशन और टास्क बार, कंट्रोल प्लस की, ऑटोमेटिकली एडजस्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन विंडोज एक्सप्लोरर, अल्ट इंटर, ओपन प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड आइकन और अ प्रोग्राम, शिफ्ट F10 मेन्स फंक्शन बटन 10 सिमुलेट्स राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड आइटम। फिर हमारे पास नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, ठीक है। फिर यहाँ पे शिफ्ट डेल, डिलीट सिलेक्टेड प्रोग्राम फाइल परमानेंटली, होल्डिंग शिफ्ट, ड्रैगिंग बूट अप, इनेबल बूट सेफ मोड और बाईपास सिस्टम फाइल, कंट्रोल एन स्टार्ट अ न्यू नोट, कंट्रोल वो ओपन सर रिसेंटली नीडेड नोट्स, कंट्रोल एस सेव चेंज नोट, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल अल्ट F4 से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले ही स्लाइड्स में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और हो चुका है बहुत बहुत लंबा वीडियो। फिर है विंडोज़ प्लस टी, ये है कंप्यूटर शॉर्टकट की विंडोज़ कीज के साथ, ठीक है। विंडोज़ टी साइकिल थ्रू एप्स ऑन अ टास्क बार, विंडोज़ एक्स ओपन द हिडन मेन्यू, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकली करके दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं केवल प्रैक्टिकल का एक स्पेशल वीडियो उसमें अपलोड करूँगा इसी के प्लेलिस्ट में, कीबोर्ड के ही प्लेलिस्ट में आपको मैं पूरा आपको शॉर्टकट, पूरे प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स का वीडियो मैं आपको दूंगा, पर वीक एक वीडियो मैं दूंगा पूरे शॉर्टकट्स का, ठीक है। आप चिंता ना करें कि मैं इस वीडियो को मिस कर दिया या फिर इसका PDF भी आपको, इस PPT का मैं PDF आपको दे दूंगा। PDF को कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको सिंपली मेरे पेज पे जाना है, फेसबुक ओपन करना है, सर्च करना है पाठक एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड या फिर मेरे जो ड्राइव है उसमें मैं आपको एक्सेस दे दूंगा और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है कंप्यूटर शॉर्टकट की फंक्शंस की। देखिए यहाँ पे F1 से लेकर के F12 का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप जरूर एक बार पढ़ें, ठीक है। डिस्प्ले और लास्ट है स्पेशल कंप्यूटर शॉर्टकट की, स्पेशल जो बटन्स हैं उनका क्या काम है आप देख सकते हैं। पेज अप है, मूव ऑन स्क्रीन एट ए टाइम, पेज डाउन, मूव डाउन ऑन स्क्रीन एट ए टाइम, होम मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड मूव टू द एंड ऑफ द लाइन, कंट्रोल होम मूव टू द फर्स्ट कैरेक्टर, कंट्रोल एंड मूव टू द लास्ट कैरेक्टर। फिर हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज फॉर गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, उनके लिए है, ठीक है। ब्राउजिंग करने के लिए अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसमें भी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ई ओपन अ सर्च बार, ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज यहाँ पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज। फिर ये है, आपको मैं ये बता दिया हूँ तो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका A to Z वाले जो भी हैं ये माइक्रोसॉफ्ट में ईजली यूजेबल हैं, ईजली A to Z यूज कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास, ये भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है यूनिवर्सल शॉर्टकट की। देखिए ये जो है कहीं भी आपका काम करेगा, ब्राउजर हो, प्रोग्राम्स हो, कुछ भी हो, उनमें जनरली ये यूज में आते हैं, कंट्रोल X कट, सी कॉपी, वी पेस्ट और कंट्रोल Z अंडू। फिर हमारे पास लास्ट स्लाइड आपका है, दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। मैं आपको तो ये है पाठक एजुकेशन सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, ओके नेक्स्ट, ठीक है। आप मेरे को पाठक एजुकेशन सेंटर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे तो देखिए वीडियो, और टेलीग्राम का हमारा ज्वाइन कर, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक पेज का, ग्रुप्स का, इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का फेसबुक पेज हो ही गया, ये हमारे पास एक है ग्रुप है वगैरह उसका, टेलीग्राम का, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैं पर डे कुछ ना कुछ नोट्स या फिर कुछ क्विजेज का टॉपिक्स डालते रहता हूँ, वहाँ पे आप जा करके कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं इस पर ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, आपको अच्छे फ़ायदे रहेंगे। अब मैं देखिए ADC DCA और DTP DTC CCC PhD C
और PGDCA, वेब डिज़ाइनिंग, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल वर्जन 2007 से लेकर के करंट 365 से लेकर 2019, आपको जो भी वर्जन अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से ऑनलाइन, मात्र 4000 में आपको 1 ईयर का कोर्स आपको कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज माई सोशल अकाउंट्स वेयर यू कैन फॉलो मी, ओके। और देखिए, अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली केवल स्कैन करें और डायरेक्ट पहुंचे। अगर आप चाहते हैं पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना, पावर पॉइंट एडवांस सीखना, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और पावर पॉइंट में एडवांस प्रेजेंटेशंस बनाना आप सीख सकते हैं बिल्कुल। मैं इसको फ्री नहीं बोलूँगा, बेसिक ओनली 500 में, ओनली 1 मंथ के कोर्सेज में आप पूरा MS पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप इस कोर्स को मिस ना करें प्लीज़। This is the my last slide. Thank you for your watching and be patient on my video. Very, very thank you. Okay. Jai Hind.